27 राखी राखी जी सलमान जी आज डे टू है काफी अच्छे लग रहे हो आज तो राखी जी तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज तो क्या कुछ कहना चाहोगे सलमान भाई भी अच्छे लग रहे हैं व्हाट यू वांट टू से सलमान जी अबाउट द शूट यार आज हमारा सेकंड डे है शूट का और बहुत ही कमाल का शूट जा रहा है और मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ प्लीज़ ये वाले गाने का बेसब्री से इंतज़ार करो क्योंकि इस गाने में आपको राखी का जो लुक दिखने वाला है जो एक क्या राखी ने काबिले तारीफ आप सब लोग देखकर कहेंगे कि राखी बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट बहुत ही एकदम हमारे प्रोड्यूसर अभय बंसल जी भी एकदम दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं और इतने मतलब वेरिएशन इतने ट्रीटमेंट इस सॉन्ग को दिया गया है मेरी रियल लाइफ पे कितने एक बायोपिक तो नहीं कहूँगी मैं बट एक ही 4 मिनट के गाने में उफ आपके सबके रोंगटे मतलब खड़े हो जाएंगे और ऐसा इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है अमेजिंग बंसल प्रोडक्शन की मैं बात करूँ जो पिछला गाना था काफ़ी सुपर डुपर हिट गया था काफ़ी प्यार मिला था उस गाने को इस गाने से क्या उम्मीद है राखी जी आपकी इस गाने से तो लोगों को बहुत टच होगा जो अभी फ़िलहाल मेरा जो दौर चल रहा है उतार चढ़ाव जो सैडनेस मेरी मॉम का फिर हस्बैंड का तो वो सारा इस सॉन्ग में दिखाया गया है क्या हुआ था मतलब ज़्यादा तो नहीं बता सकते बट थोड़ा बहुत शॉर्ट लाइक बायोपिक हाँ छोटा सा बहुत अमेजिंग लोगों को बहुत पसंद आएगा और सलमान जो है आदिल का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें एंड सलमान हमारी ट्यूनिंग अच्छी लग रही है इस सॉन्ग राखी मैं बात करूँ आपकी तो बहुत दिन के बाद मैं आपको देख रहा हूँ इतनी खुश आप नजर आ रही हो इस खुशी के पीछे क्या राज बताना चाहोगे इसका जवाब पहले मैं पास में ही रूम है ठीक है सीन से जस्ट 10 से 15 मिनट पहले तक मैं उनकी आवाज़ें सुन रहा था उस आवाज़ में कितना दुख था कितना दुख था ये लिटरली रो रही थी उसके बाद में जैसे ही डायरेक्टर का कॉल आता है कि हमें सेट पर जाना है यार 2 मिनट में बंदी तैयार होती है 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आती है बहुत स्माइली फेस के साथ तो आप सभी लोगों को ना यार वो एक स्माइली फेस दिखता है लेकिन सुना है मैंने स्माइली फेस के पीछे कितना दर्द है कितना दुख है और उसके बाद भी अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी हैट्स ऑफ टू यू राखी आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में थैंक यू देखिए काम तो करना है ना मेरे रोने धोने से प्रोड्यूसर का नुकसान तो नहीं कर सकते ना तो बट बात खुशी है कि फिर से मैं काम पर आ गई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको काम पे देख के और खुश देख के सलमान आपसे मेरा सवाल रहेगा जिस तरह का किरदार आप प्ले करो काफ़ी डिफिकल्ट है काफ़ी चर्चा होगी वो उसका तरह कितना डिफिकल्ट आपके लिए आप चैलेंज ले रहे हो हाउ यू आर टेकिंग दिस चैलेंज यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कलाकार हूँ मेरा काम है एक स्क्रीन पर एक कला को पोर्ट्रे करना है एक जो कैरेक्टर दिया गया है मुझे जो मुझे समझाया गया है मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना बेस्ट कर रहा हूँ यस और पूरी पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगा और अब पर्सनल लाइफ में किसके साथ कैसा जा रहा था उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है लेकिन मुझे जितना बताया जा रहा है उसे मैं 100% करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इसमें मैं अपना खुद ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ यस एंड सलमान आदिल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा वेट कीजिए राखी कितना डिफिकल्ट है आपके लिए क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में हो रही है काफ़ी लोग बैक कर रहे हैं राइट फ्रॉम द मीडिया आपके फैंस काफ़ी आपको बैक कर रहे हैं कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये सिचुएशन में काम करना वर्क एथिक को आप काफ़ी लोग को इंस्पायर कर रहे हो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रियल लाइफ में जो स्ट्रगल करते हैं रियल लाइफ में इतने आप खुश दिख रहे हो प्रोफेशनल वाइज देखिए सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ना चाहिए अब तो कहते ना बहुत अकेले रह गई हूँ मैं ना मेरी मॉम है ना हस्बैंड है तो अब अकेले जीना है और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ज़िंदगी में बट बचपन से ही मैं जब घर से भागी थी बॉलीवुड में आई थी तो बॉलीवुड मेरी कर्मभूमि है मेरी माँ है मेरी ज़िंदगी है तो मैं फिर से मेरे बॉलीवुड ने मुझे कहा है एक कहते हैं ना कि माँ अपने गले लगाती है अपनी बेटी दुखी होती है तो फिर से मेरी बॉलीवुड ने मुझे गले लगा लिया और मैं काम कर रही हूँ अच्छा लग रहा है राखी मैं बात करूँ इस सॉन्ग की तो इससे पहले भी आपके बहुत सारे सॉन्ग आ चुके इस सॉन्ग को आप हाँ करने के लिए कितना टाइम इस सॉन्ग को आप यकीन मानिए रातों रात ये सॉन्ग हमें मिला है एक रात पहले मतलब हमें बस बताया गया कि आप सॉन्ग कर रहे हैं मतलब कॉस्ट्यूम रिहर्सल ये तुम्हें टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है मुद्दर सर भाई ने कहा और बस आप आ जाओ शूटिंग पे हम सब संभाल लेंगे
तो कब कॉस्ट्यूम रेडी हो गए, कब हम रेडी हो गए, कब हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं पता, हम शूट कर रहे हैं। और हमारे प्रोड्यूसर एबी बंसल साहब ने इतने कमाल से संभाला है सब कुछ कि मैं लकी नहीं रहा कि सब कुछ क्विक क्विक हुआ है। पहली बार मतलब उन्होंने 70-80 लाख का ये वीडियो बना रहे, बट मुदस्सर भाई जो है इसमें पूरी जान डाल रहे, पूरा कमाल कर रहे हैं। एक फ्रेम उनके बहुत कमाल के हैं, मतलब किसी चीज में कमी नहीं करी है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द सॉन्ग। हम सिर्फ वॉक करते हुए